अमित जी, इसी के साथ वीट फ्यूचर की बात की जाए तो वीट में क्या लग रहा है आपको? वीट, क्योंकि हमने वीट पर काफी सारे फैसले आते हुए देख लिए हैं, तो अब वीट की जो रेंज है एक्चुअल में वो क्या रह सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि करंट लेवल से करीबन 3 से 4 फीसदी फिसलने की पॉसिबिलिटी है, 15 से 16 फीसदी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फिलहाल देखिए, काफी न्यूज में रहा जिसके दिनों में इस करेक्शन का दौर मुझे लगता है फिलहाल जारी रहेगा, और यहाँ से तो मैं ज्यादा एक्साइट नहीं हूँ। जी अमित जी, कैस्टर में क्या लग रहा है? क्या कैस्टर में इस बार जो प्राइसेस हैं वो 8000 तक की रेंज दिखा सकते हैं, क्योंकि 7400 से 7600 की तो रेंज हम अभी भी देख रहे हैं? काफी समय पहले से ही कहा था कि 7650 और अपसाइड में और 7400 से 300 लोअर साइड में इस दायरे में ही रहेगा, और हम काफी समय बीत चुका है और यही देख रहे हैं 7650 के ऊपर वीकली क्लोज बेसिस हम सस्टेन होता हुआ नहीं देख रहे हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म बेसिस का भी कम 7700 के ऊपर भी जाता है, लेकिन चेक तौर पर इसमें एक करेक्शन का दौर छोड़ कर छू सकते हैं 7300 के करीब। हाँ, लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल ट्रेन की बात करूँ कि रुझान किस तरह से, तो वो ऊपर मुझे ऊपर दिखता है 8000 से 8150 के भाव हमें आते हुए दिखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले 7000 जी।